मेरे पास पसंद है अंडा कट के, आधा किलो मैंने नहीं लिए, वो बिल्कुल इतने से बच जाते हैं। मेरे पास एक किलो है, ठीक है, एक किलो मैंने पसंदे लिए हैं अंडा कट के। और उस पर मैंने अभी 15 मिनट पहले पपीता लगा दिया है 1.5 टेबल स्पून, ठीक है। अब जितना मैरिनेशन के नीचे सामान लिखा हुआ है वो मैं सब इस पर लगा रही हूँ, और इसको हम ट्रे में फैलाएंगे और ओवन में डाल देंगे। अगर आपके पास ओवन नहीं है कोई परेशानी की बात नहीं है, आप पतीली ले लीजिए, ठीक है, पतीली लेके उसमें नीचे आप फैला दीजिए, कोई नहीं जलेगा, कुछ नहीं होगा, बिकॉज़ ये इसमें पपीता लगा हुआ है, दही सब लगेगी, प्याज लगेगी कच्ची पिसी हुई, तो कुछ भी नहीं होगा, हल्के पे वो पड़ा रहेगा और वो गल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ब्राउन अनियन पिसी हुई 1/2 कप, उसके बाद हम इसमें 1/2 कप डालेंगे कच्ची प्याज पिसी हुई। जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून, दही हम डालेंगे इसमें 1/2 कप, ठीक है। फिर हम इसमें डालेंगे पपाया, मैं लगा चुकी हूँ उस पर, भुना हुआ बेसन 2 टेबल स्पून, भून के लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद लाल मिर्चों का पाउडर 2 चाय के चम्मच, हीप्ड भुना हुआ कुटा हुआ जीरा जाएगा इसमें 1 टीस्पून, जिंजर पाउडर सौंठ का पाउडर 1/4 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, बिहारी कबाब मसाला 2 टेबल स्पून, मैं इसको यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ पसंदों को। ठीक है, देखें तेल है ऊपर, थर्टी फाइव से 40 मिनट्स के लिए हम इसको 190 डिग्रीज पे रखेंगे। मैंने धुआं दे दिया इस पर, ये देखें कैसे गले हुए बिहारी कबाब हैं। अंडा कट से बनाएं 30। ट्रे बेक्ड बिहारी कबाब अज्जा, बीफ पसंदे फ्लैटेंड 1/2 किलो, मैरिनेट के लिए तली पिसी प्याज 1/2 कप, पिसी कच्ची प्याज 1 अदद, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, दही 1/2 कप, कच्चा पपीता 1.5 खाने के चमचा, भुना बेसन 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, कुटा भुना जीरा 1 चाय का चमचा, जिंजर पाउडर 1/4 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, बिहारी कबाब मसाला 2 खाने के चमचे। कोयला धुआं देने के लिए Add some masala to your life.